नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों इस वक्त हम कोसी नदी में और कोसी नदी की बात आपको बता दे दोस्तों, आज कोसी नदी में जल के स्तर जो काफी बिजली हो गया है। यहाँ पे कुछ लोग स्थानीय इनसे बात करेंगे, आखिर इन लोगों को पार होने में क्या समस्या है। तो क्या नाम है आपका? हमारा दुकान मुखिया लाना घट गया, हमको घर कट रहा है, सब गरीब आदमी हम मर रहे हैं जी। इस पर ध्यान देना हमको गरीब पर, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि है, सबको कुछ कहते नहीं है? हाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं वो? ये लोग अब होगा तब होगा, झूठे का हमको बहाना करता है, कुछ भी हमको नहीं मिला, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, हमको पास में कुछ भी एक पेंशन नहीं है सर, कोई चीज का नहीं, हम गरीब आदमी यहाँ मरते हैं, घर भी जाता है। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से हमको ये कहना है, हमको गरीब पर ध्यान दीजिए, कुछ उबार कर दीजिए हमको गरीब। क्या नाम है भैया? विदुर कुमार मुखिया। आपका घर कहाँ है? सिसोना। सिसोना, आप कहाँ गए थे? इधर इधर गए थे भोज खाने के लिए, भोज खाने के लिए गए थे, नदी में नाव पार होकर गए थे। हाँ, नदी में नाव पार होकर गए। जरूर नहीं लगता है क्या? लगता है, इतना बड़ा नदी है कैसे। और यहाँ जो विधायक है अमन भूषण हजारी जी, उसको क्या कहना चाहते हैं? उसको क्या कहेंगे, वो तो अपना आराम से घर में बैठ के सो रहा है, और क्या कहेंगे। भैया क्या नाम है? मनोज मुखिया। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके क्षेत्र में इस तरह की, मतलब नदी में इतना पानी बढ़ गया है, पुल की सुविधा नहीं है? हम ये कहना चाहते हैं कुछ देखिए, इधर का बहुत बहुत हालत गंभीर में है, इधर में पानी फिलहाल कम, फिलहाल पानी जास्ते है, इधर में क्या होगा, नाव पर टप रहा है। यही कहना चाहते हैं, खास भगवान ने करे ऐसा, डूब जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन है ये, कौन होगा इधर का प्रतिनिधि नहीं होगा जी। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, ये सभी बता रहे हैं कि हम लोग जो है काफी, मतलब बाढ़ के समय जब होता है तो काफी हम लोग को दिक्कत करना पड़ता है। नदी में देखिए आज जो जल स्तर है काफी वृद्धि हो गया है, काफी बढ़ गया है, जिससे आवागमन में काफी लोगों को समस्या होता है। जब बाढ़ के समय पूर्णतः इस क्षेत्र में आ जाता है, और आपको बता दें कुशेश्वर स्थान है जो पूरे बिहार में बाढ़ की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, कुशेश्वर स्थान। इससे पहले आपने देखे होंगे कि 8 से 9 बच्चे ऐसे है कि 8-9 महीना के अंदर है यहाँ पे जो डूब के मर गया था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चूक यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि सबसे है कि चुनाव के समय में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि चुनाव में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये सभी प्रतिनिधि जो घर में जाकर सो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रतिनिधि से कहना चाहते हैं कि चुनाव के समय में वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी जो ये लोग जो गरीब लोग जो यहाँ पर जो इतना कष्ट जीवन यापन कर रहे हैं, ये सभी भाई लोग दूसरे गाँव से मजदूरी करने के लिए आए हैं, भोज खाने के लिए आए हैं। इन लोगों के किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि होगा, जिन्होंने चुनाव के समय में वोट लेने के लिए आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद घर में सो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रतिनिधि कहना चाहेंगे, आप अपने क्षेत्र में किसी भी तरह की जो समस्या है उस पर देखने के काम कीजिए। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।